मैं यतिवर्य कुमार विजय आज आपको इस वीडियो में मंगल अपनी कर्क राशि छोड़कर अब 8 और 9 अगस्त की रात्रि को 4:32 पर सिंह राशि में प्रवेश करने वाले हैं। इसका आपकी मीन राशि पर क्या असर पड़ेगा यह मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं, आपको जानकारी देने वाला हूं। आप मेरा यह वीडियो मीन राशि वाले पूरा ध्यान से देखें, समझें कि यह मंगल का गोचर आपके लिए कैसा बीतने वाला है और इसका असर आप पर क्या पड़ने वाला है। सबसे पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आप मेरे चैनल के नए दर्शक हैं या फिर पुराने दर्शक हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सबसे पहले सब्सक्राइब करें और पास में लगे घंटी के बटन को भी दबाएं, ताकि जैसे ही मैं कोई आपके राशि के लिए, आपके व्यापार धंधे नौकरी के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके सामाजिक किसी और विषय पर जानकारी का जो मैं वीडियो लाता हूँ या पेश करता हूँ, वह पोस्ट करते ही आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसको सबसे पहले देख सकें। अगर मेरा यह वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक ज़रूर करें और लाइक करने के बाद में आपके परिवार के जितने भी लोग हैं उनके लिए आप अलग अलग राशि का, मैंने 12 अलग राशियों का मंगल के राशि परिवर्तन से क्या फल मिलेगा इस पर 12 अलग अलग वीडियो पोस्ट किए हैं 12 राशि वालों के लिए। तो आप अपने मित्र और परिवार के लोगों में जिनकी जो राशि है उनके साथ मेरे वीडियो भी शेयर कर सकते हैं। अब देखते हैं कि मंगल इस समय जो अपनी नीच की कर्क राशि में गोचर कर रहा है, वहाँ से 8 और 9 अगस्त की रात्रि को 4:32 पर निकलकर अपने मित्र सूर्य की राशि में प्रवेश करने वाले हैं, तो इसका आपकी मीन राशि पर क्या असर पड़ने वाला है यह हम देखते हैं। मंगल अपनी नीच की कर्क राशि को छोड़कर दिनांक 8 अगस्त और 9 अगस्त की मध्य रात्रि में सुबह 4:32 पर आपकी राशि से छठे रोग, रण और शत्रु स्थान में प्रवेश करने वाले हैं। मंगल ग्रह नव ग्रहों में सेनापति माना जाते हैं। यह एक गर्म और गुस्से वाला ग्रह माना जाता है। इसका असर शरीर में रक्त से, उत्तेजना से और गुस्से या क्रोध के साथ साथ काम करने की शारीरिक क्षमता के साथ भी होता है। मंगल अच्छा होने पर जातक को जीवन में बहुत अच्छा लाभ मिलता है और आसानी से भी मिलता है, अच्छा घर और अच्छा परिवार भी मिलता है, साथ में उच्च पद भी आसानी से प्राप्त होता है। भूमि, भवन और भाई का सहयोग अच्छा मिलता है। मंगल किसी भी राशि में प्राय प्राय 45 दिन तक गोचर करता है और अब अपनी नीच की कर्क राशि को छोड़कर अपने मित्र सूर्य की सिंह राशि में प्रवेश कर रहे हैं। इसका असर क्या पड़ेगा आपकी राशि पर अब आप ध्यान से सुने। यह जो मंगल का गोचर का राशि परिवर्तन हो रहा है आपके कुंडली में छठे रोग, रण और शत्रु स्थान में हो रहा है। छठे स्थान में बैठा मंगल चौथी दृष्टि से आपके नौवें भाग्य स्थान को और सातवीं दृष्टि से आपके 12वें खर्च भाव को और 8वीं दृष्टि से आपके लग्न भाव को देखेगा। यह जो मंगल का गोचर है आपके लिए मिले जुले फल प्रदान करने वाला रहेगा। एक तरफ जहां आपके शत्रु का नाश करेगा, वहीं दूसरी ओर आपके अंदर अहंकार, घमंड, जिद और बहस करने की प्रवृत्ति को भी बढ़ाएगा। कोई ऐसा खर्च अचानक हो सकता है जिसकी आपको कोई उम्मीद नहीं थी या होने की कोई शंका भी नहीं थी, या फिर आपका जो पैसा है वह कहीं ऐसी जगह या कोई ऐसी स्कीम में फंस सकता है जहां से वापस आना मुश्किल होगा। अपने खर्च पर इस मंगल के सिंह राशि में गोचर के दौरान थोड़ा कंट्रोल करें, जिससे कि आपका पैसा मेहनत का कमाया हुआ व्यर्थ में खर्च ना हो। चंद्र कुंडली के अनुसार मंगल ग्रह आपके दूसरे धन और कुटुंब स्थान के
और नौवें भाग्य स्थान के स्वामी ग्रह है। मीन राशि वालों के लिए मंगल का जो भ्रमण है वह छठे भाव से होने से भाग्योन्नति में बाधा रहती है। आर्थिक मामले में सावधानी रखनी होगी और पारिवारिक मामलों में खर्च होगा आपका। वाणी में बहुत संयम रखना होगा। मंगल देव आपकी राशि से छठे रोग रण और शत्रु भाव में गोचर करेंगे। इस भाव को हम लोग शत्रु या अरि भाव भी ज्योतिष की भाषा में कहते हैं। इस दौरान आपको जीवन में कई क्षेत्रों में संघर्ष करना पड़ेगा। हालांकि आपकी कड़ी मेहनत हर बाधा को दूर कर देगी। छात्रों के लिए समय अच्छा है। मीन राशि के जातकों को मंगल के इस गोचर से काफ़ी कुछ अच्छे विद्वान और ज्ञानी लोगों से सीखने को मिलेगा। संतों और साधुओं की सेवा करने का आपको अवसर प्राप्त होगा। कोर्ट कचहरी से जुड़े मामलों में भी आपको सफलता मिलेगी। खर्चों में कटौती करने के लिए आपको इस समय अच्छा बजट प्लान बनाने की आवश्यकता महसूस होगी। नौकरी पैसा लोग इस दौरान अपने काम को पूरी लगन के साथ करेंगे। वहीं कारोबारी लोग भी अपने काम के प्रति गंभीर रहेंगे और इससे आने वाले वक्त में उनको अच्छा परिणाम मिलेगा। कुल मिलाकर जब तक मंगल सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं तब तक आप अपने धन को बचाएं और अपनी वाणी पर संयम रखें और थोड़ा सा जमकर मेहनत करेंगे तो आपको आपका यह जो समय है मंगल के सिंह राशि में गोचर वाला यह साधारण रूप से अच्छा बीत जाएगा। अगर आपने घमंड किया, अहंकार किया, जिद की, किसी से बहस की, किसी पर अपना आधिपत्य थोपने की कोशिश की तो फिर आपको मंगल जो है वह अशुभ फल भी प्रदान करने वाला है। आपकी कुंडली में मंगल की क्या स्थिति है यह आप किसी विद्वान व्यक्ति या ज्योतिषी को अपनी कुंडली बताकर पता कर लें कि कहीं आपकी कुंडली में मंगल अस्त तो नहीं है, आपकी कुंडली मांगलिक तो नहीं है, आपकी कुंडली में मंगल नीच का तो नहीं है, आपकी कुंडली में मंगल राहु या केतु के साथ युति करके तो नहीं बैठा है, आपकी कुंडली में मंगल शनि या सूर्य के साथ युति करके तो नहीं बैठा है, आपकी कुंडली में मंगल राहु या शुक्र की युति भी नहीं है। यह सब जानकारी करके आप विद्वान ज्योतिषी से यह पूछें कि आपकी कुंडली में मंगल कैसा है, मजबूत स्थिति का है या कमज़ोर स्थिति का है, अस्त है, नीच का है या कैसा है। अगर कमज़ोर होगा मंगल आपकी कुंडली में तो जो मैंने आपको यह अभी फलादेश ऊपर बताया है इसमें 2-4% का ऊपर नीचे फर्क हो सकता है। और अगर आपकी कुंडली में मंगल बलवान है और अच्छा है, शुभ है, तो फिर जैसा मैंने आपको फल बताया है वैसा ही आपको परिणाम देखने को भी मिलेगा। मैंने सभी 12 राशि के लिए अलग अलग वीडियो बनाए हैं और पोस्ट कर दिए हैं। यह आज आखिरी वीडियो 12वीं राशि मीन राशि का मैं पोस्ट कर रहा हूं। आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और धन्यवाद। जय जिनेंद्र।